भयानक एक्सीडेंट हुआ है भाई लोग का, ड्राइवर साहब लोग का। हालांकि भी दूध में थे लेकिन 6 बजे तो कोई नींद में नहीं रहता है। स्लिप किया है गाड़ी वहीं से ना, अच्छा ब्रेकर आगे आया, इधर गाड़ी हुआ और स्लिप कर गया टायर डिस बाय। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल जी, आप देख रहे हैं रोड तक न्यूज। दोस्तों यहाँ रांची जा रहा था मैं, रास्ते में बहुत ही नसीब, इसको तो बुरा ही कहेंगे कि मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अच्छा नसीब ये कहेंगे कि ड्राइवर साहब बेचारा बाल बाल बचे हुए हैं। गाड़ी तो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, बहुत ही भयानक एक्सीडेंट दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे माल पलटी हुआ है, यहाँ पे गाड़ी बिल्कुल बुरी तरह से रोड से नीचे आ चुकी है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ इसे पूरा पेड़ में ले जाके टक्कर मारी है गाड़ी। हो सकता है कैसे हुआ, थोड़ा बात करेंगे ड्राइवर से कि ये घटना कब हुआ और कैसे हुआ। मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही बिल्कुल यहाँ ड्राइवर भाई हैं, मैं बात करता हूँ। कब का एक्सीडेंट हुआ है? सुबह में। तो क्या कोई मतलब नेलेंस होकर के इधर आ गया? तो ड्राइवर भाई ठीक हैं? यही हैं ड्राइवर भाई? अच्छा, अभी तो ठीक ठाक, भगवान करे ठीक ठाक ही दिखाई दे रहे हैं। तो चोट नहीं लगा है कहीं ना, कोई दिक्कत, कोई खाना पीना का हुआ कि नहीं? हाँ तो हम मीडिया वाले हैं, ठीक है, हम न्यूज वाले हैं, तो आपको देखा तो मैं रुक गया। देख सकते हैं दोस्तों, इसको जितना हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और देखिए सावधानी से दोस्तों गाड़ी चलाइए। अभी तो बहुत अच्छा इनका नसीब है, गाड़ी तो गया, गाड़ी आ जाएगा, लेकिन दोस्तों ड्राइवर साहब को कुछ नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी खबर है। हालांकि मैं देखा हूँ कई जगह ड्राइवर भाई घायल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल अच्छी खबर है दोस्तों कि गाड़ी तो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे ड्राइवर भाई ठीक हैं, सही सलामत हैं, खाने पीने का भी कोई दिक्कत इनको नहीं है, कोई दिक्कत होता तो मैं मदद करता, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। गाड़ी का नंबर है यूपी, उत्तर प्रदेश का नंबर है दोस्तों, दिखाता हूँ, हम लोग का ही स्टेट का नंबर है, हालाँकि मैं भी यूपी से हूँ। यूपी चौवालीस BT 1812, यानी कि 18-12। कहाँ का पासिंग है वो? सुल्तानपुर का, सुल्तानपुर पासिंग है। आप इस खबर को मालिक तक पहुँचाए, हालांकि मालिक तक तो पहुँच ही गया होगा खबर। ठीक है दोस्तों।